ये हमारे पास कॉलम है, इस कॉलम के अंदर आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे हनीकॉम्बिंग देखने को मिल रहा है। हनीकॉम्बिंग बेसिकली क्या होता है कि जो सरफेस है उस सरफेस के अंदर वॉइड्स हो जाता है और कैविटी हो जाता है। ये बेसिकली होता है इम्प्रॉपर शटरिंग के कारण और इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन के कारण, और भी बहुत सारे रीज़न हैं जिसके कारण हमें हनीकॉम्बिंग देखने को मिलता है। अब बेसिकली क्या होता है कि अगर हनीकॉम्बिंग हमारे कॉलम के अंदर आ जाता है तो हनीकॉम्बिंग के कारण क्या होता है कि जो हमारे कॉलम का स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाता है, यानी उसकी स्ट्रेंथ वीक होने की वजह से क्या होता है कि उसका ड्यूरेबिलिटी भी कम हो जाता है। एक और चीज़ ये देखने को मिलता है कि जो हमारा सेक्शन है उसके अंदर एस्थेटिक इश्यूज़ आ जाते हैं, मतलब वो अच्छा नहीं दिखता है, देखने में भी हमें बेकार लगता है। हम लोग हनीकॉम्बिंग से बचने के लिए क्या करते हैं कि अच्छे तरह से वाइब्रेटर का यूज कराएं जब भी हम लोग कंक्रीट पोर करवा रहे हैं, स्किल लेबर का यूज करें, प्रॉपर मिक्स डिजाइन ऑफ कंक्रीट हम लोग यूज करें। हनीकॉम्बिंग के रिपेयरिंग मेथड ये है कि हम लोग क्या करें, अगर बड़े बड़े अगर हनीकॉम्बिंग आ रहा है तो हम लोग कॉलम को रीकास्ट करें या फिर हम लोग एक और ग्राउटिंग करते हैं या फिर सरफेस रिपेयर कर देते हैं छोटे छोटे वायर्स अगर उसके अंदर रहता है तो।